इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई कमर्शियल वाहन है तो उस पर आप कैसे चेक करेंगे कि उसका रोड टैक्स कितना कटता है। और देखिए, आपके पास अगर कमर्शियल वाहन है तो जाहिर सी बात है रोड टैक्स कटता होगा। तो देखिए, आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपको parivahan.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट सीधा विजिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन सर्विस, इसी वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है पहली नंबर व्हीकल रिलेटेड सर्विस, तो आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपना जो भी स्टेट है आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टेट आपका है। जैसे हमने देखिए मेरा उत्तर प्रदेश है, मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जैसे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर लिखा है और क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए उत्तर प्रदेश। तो देखिए अपना जो भी RDO यहाँ से अपना वो RDO जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से अपना RDO सिलेक्ट कर लें। जैसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेनी है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फरुखाबाद, यानी कि देखिए आपको इस जो भी डिपार्टमेंट जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट किया तो उसका लॉगिन पेज ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपके सामने उस इस तरह का इंटरफेस सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पे और टैक्स लिखा है, और देखिए यहाँ पर सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हमें क्या है सिंपली करना क्या है, हमें अपने केवल वाहन का रोड टैक्स पता करना है कि हमारे वाहन का कितना रोड टैक्स बन चुका है और कितना हमें जमा करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली बार ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है, जैसे पे और टैक्स तो इसी बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो भी गाड़ी का आपका नंबर है वो यहाँ पर सीधा टाइप करके यहाँ पर वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे गाड़ी नंबर फिल कर लिया, यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक कर, जैसे ही वेरीफाई डिटेल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और व्हीकल जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भर के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दिया और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा ओटीपी हैज बीन रजिस्टर्ड सेंड मोबाइल नंबर पर, इस पर आपको भेज दिया गया और यहाँ से वो ओटीपी आपको फिल कर लेना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। देखिए यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर चेंजिंग वेंजिंग कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर सेलेक्ट का बटन लिखा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ईयरली, आप पूरे एक साल का चेक करना चाहते हैं तो ईयरली सेलेक्ट कर लें। जैसे ही अर्ली सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको टैक्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए कब से कब तक है, 1/2/2020 से लेकर 31/1/2022 तक का इनका टैक्स है, कितना टोटल टैक्स है 23,218 है, और पेनल्टी इन पर कितनी लगती है 15,285 रुपये, यानी कि इन्होंने जमा नहीं किया इस वजह से इन पर 15,285 रुपये की पेनल्टी लग चुकी है। और यहाँ पर टोटल इनका अमाउंट कितना होना है 37,535। तो देखिए यहाँ पे ऐसा टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल भी लिखा हुआ है नीचे, देखिए अगर आपको पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट करेंगे तो देखिए आपको क्या आगे आपको इतना सारा पेमेंट करना ही पड़ेगा तभी आपका रोड टैक्स जमा होगा। अगर सालाना के बाद अगर आपको क्वारंटली देखना है तो क्वारंटली पर क्लिक करेंगे तो आप क्वारंटली भी चेक करेंगे, देखिए क्वारंटली में भी इतना आया। लाइफ टाइम का चेक करना चाहते हैं तो लाइफ टाइम का चेक करेंगे तो वो भी इतना ही आ रहा है। तो देखिए मैं अर्ली पे क्लिक करके देखिए इस तरह आपको आप भी देख सकते हैं कि हमारे गाड़ी पे कितना रोड टैक्स है और जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जैसे ही आप ये सारी जानकारी सहमत हैं तो आपको नीचे एक पेमेंट का ऑप्शन देखने मिलेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट वाली बटन पे क्लिक करनी है। जैसे ही पेमेंट वाली पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लगा 37,335 रुपया। देखिए आपको आपको परमानेंट आपको इतना जमा करना ही पड़ेगा अगर आपको गाड़ी रोड पर चलानी है। तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए आपको भरना है तो यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करें, कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक कर लेनी है। जैसे ही कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट पेमेंट गेट वे, आप किस पेमेंट को SBI मल्टी बैंकिंग सर्विस, तो आपको यही सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर लिखा है आई रिसेप्ट एंड कंडीशन, तो आपको इसी वाली बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर पेमेंट गेटवे पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप किस तरह से आप पेमेंट देखिए नेट बैंकिंग थ्रू करना चाहते हैं या फिर अदर बैंक का चार्ज, अदर बैंक का आपके पास कोई ATM कार्ड है या फिर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है या फिर अदर बैंक डेबिट कार्ड है, जो भी है यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास SBI का नहीं है, मैं अदर पे कर रहा हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड, तो इसी पर क्लिक कर लेनी है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए आएगा, तो यहाँ पर कन्फर्म कर दें और यहाँ पर द्वारका से फिर से कन्फर्म कर दें। तो देखिए कन्फर्म के लिए यहाँ पर हो जाएगा 37,535 रुपया। तो आपको यहाँ पर कार्ड की डिटेल सारी देने पड़ेगी, जो भी है आपका कार्ड नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट क्या है वो डालना पड़ेगी और कार्ड होल्डर नेम क्या है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड के पीछे एक 3 अंकों का एक CCV नंबर लिखा होता है, वो आपको यहाँ फिल कर देना है और ये जो आपको एप्चा कोड सो रहा है आपको यहाँ पर फिल करके पे बटन पर क्लिक कर देनी है। देखिए मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, मैं इसका पेमेंट नहीं करूँगा अभी फिलहाल में, तो क्योंकि आप यहाँ तक आ जाएंगे तो आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएंगे कंप्लीट पे पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP आपको फिल कर देना है और आपका पेमेंट कट जाएगा और रिसिपिएंट जारी हो जाएगी। तो देखिए जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए।